ओम नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में 1 से लेकर 15 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों के माध्यम से आपके जीवन में किस प्रकार की फल सूचनाएं प्राप्त होने वाली है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर इन 15 दिनों में आपको सावधान रहना है, तो यह राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखने का प्रयास करें। इस राशिफल के दौरान हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे तुला राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों की जानकारी भी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में करेंगे तो आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। राशिफल से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी हम आपको दें उससे पहले हम आपको ग्रह स्थितियों की जानकारी दे रहे हैं। इन 15 दिनों की समयावधि में आपके सप्तम भाव में राहु देव मौजूद रहेंगे और आपके लगन में केतु, शुक्र, बुध और सूर्य की उपस्थिति बनी हुई रहने वाली है। शनि, जो आपकी राशि के लिए विशेष योग कारक ग्रह बनते हैं, आपके चतुर्थ भाव में मौजूद रहेंगे। गुरु बृहस्पति आपके छठे भाव यानी रोग भाव में इन 15 दिनों में मौजूद रहने वाले हैं। वही मंगल आपके भाग्य भाव में वक्री अवस्था में मौजूद रहने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां इन 15 दिनों में बनी हुई रहने वाली है। इसमें ज्यादा किसी प्रकार के परिवर्तन ग्रहों के नहीं हो रहे हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार का प्रभाव इन 15 दिनों में आपके जीवन में मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में। जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, तो राशि का दशम भाव कर्म क्षेत्र का जिम्मेदार होता है। राशि के दशम भाव पर शनिदेव अपनी सप्तम दृष्टि से दृष्टिपात कर रहे हैं और आपके लगन पर एक साथ चतुर्ग्रही युति बनी हुई रहने वाली है। तो इन 15 दिनों की समयावधि में तुला राशि वाले जातकों को सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने वाला है। यदि आप सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में निरंतरता पूर्वक कर्म क्षेत्र में संलग्न रहते हैं तो आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। चूंकि शनि देव की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है और शनि की सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर जा रही है, तो सकारात्मक कार्य करेंगे तभी आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। इस दौरान यदि व्यापार में कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो आपको अत्यंत लाभदायक स्थितियां बन सकती है, व्यावसायिक सफलता प्राप्त होगी। विदेशी कंपनियों में यदि आप कार्य कर रहे हैं तो भी आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जातक जिनके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है और किसी प्रकार के कार्य व्यवसाय की यदि आप तलाश कर रहे हैं तो भी आपके लिए समय बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा। धन को लेकर जानकारी दिया जाए, दर्शकों, आपके राशि के धन भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव। मंगल इन 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के भाग्य भाव में वक्री अवस्था में मौजूद हैं और आपकी राशि के लाभ भाव के स्वामी सूर्य देव आपके लगन भाव में नीचस्थ स्थितियों में नीच भंग राजयोग का निर्माण करके गोचर कर रहे हैं। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए कुटुंबी जनों के माध्यम से धन लाभ की संभावना बनेगी। मंगल के प्रभाव के कारण आपके जीवन में धन का व्यय तो काफी ज्यादा होगा, परंतु आर्थिक जीवन में आपको लाभ की भी विशेष संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। कर्म क्षेत्र के माध्यम से धनार्जन करने में आप सफल रहेंगे। पूर्व के समय से यदि आपके जीवन में अनिश्चितकालीन कर्ज बना हुआ है या ज्यादा मात्रा में कर्ज बना हुआ है, उसको निपटाने की गई कोशिश आपको सफलता दे सकती है। इस दौरान विदेश से जुड़े हुए जातकों को विशेष धन लाभ प्राप्त होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है।
मनोरंजन और भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों के ऊपर धन का काफी ज्यादा व्यय होगा। शेयर सट्टा और लॉटरी जैसे विषयों में यदि आप धन का निवेश करते हैं तो इन 15 दिनों में विशेष सतर्कता आपको बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के मामले में जानकारी दें, देखे राशि के द्वितीय और चतुर्थ भाव से पारिवारिक जीवन को देखते हैं। इन 15 दिनों में आपके लिए पारिवारिक जीवन में बेहतरीन पल बिताने के लिए स्थितियां बन सकती है। हालांकि कुटुंबी जनों से जुड़ी हुई जिम्मेदारी आपके ऊपर हमेशा बनी हुई रहेगी। इन 15 दिनों में पारिवारिक जीवन का माहौल आपके लिए सुखद बना हुआ रह सकता है। हालांकि लगन पर सूर्य और केतु की उपस्थिति आपके मन में काफी घबराहट और गुस्से को जन्म दे सकती है, जिसकी वजह से आपकी भाषा के कारण परिवार के सदस्यों के बीच में कहासुनी की भी संभावना बन सकती है। इसलिए धैर्य, शांति और प्रेम का भाव लेकर आपको इन 15 दिनों में चलने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। चूंकि आपके लगन भाव पर सूर्य देव गोचर में मौजूद हैं और सूर्य आपके लगन पर आ रहे हैं, राशि पर आ रहे हैं, तो नीचस्थ स्थितियों में सूर्य हो जाते हैं। इसलिए आपको समझाने का प्रयास पारिवारिक जीवन में ज्यादा करना चाहिए, क्रोध पूर्वक व्यवहार आपको नहीं करना है। शिक्षा के मामले में जानकारी दें, शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जातकों के लिए जो यह समय है वो बेहतर है। राशि के पंचम भाव के स्वामी शनि मूल त्रिकोणस्थ होकर शुभ स्थितियों में केंद्र भाव में मौजूद हैं, तो छात्र जीवन में जुड़े हुए जातकों को भाग्य का भी साथ देखने के लिए मिलेगा। और इस दौरान यदि किसी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता में यदि आप बैठने की योजना बनाते हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आने की भी संभावना बन सकती है। अब अगर आपकी राशि के लिए इस दौरान प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंध के मामले में देखिए स्थिति बेहतर बनी हुई है। किसी प्रकार का उतार चढ़ाव आपको दिखाई नहीं देगा, परंतु लगन पर एक साथ चतुर्ग्रही युति आपके मन में व्यर्थ का भ्रम निर्मित कर सकती है। इसलिए यदि आप किसी प्रकार के संबंधों में हैं तो अपने मन में किसी प्रकार की नेगेटिविटी आपको हावी नहीं होने देना चाहिए। और यदि आप वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं तो वैवाहिक जीवन के मामले में जो ये 15 दिन का समय है उसमें आपको मिला जुला ही प्रभाव प्राप्त होगा। चूंकि राशि के सप्तम भाव पर राहु देव गोचर में मौजूद हैं और राशि के लगन भाव पर सूर्य, शुक्र और बुध भी एक साथ गोचर में मौजूद हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित भी हो सकती है। तुला राशि वाले जातकों को जीवन साथी के साथ तालमेल बैठाने में मुश्किलों का भी सामना इन 15 दिनों में करना पड़ सकता है। इसलिए अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए। जीवन साथी को प्रेम और सद्भाव से समझाने का प्रयास आपको करना चाहिए। जातकों, इस दौरान आपके अंदर प्रेम का भाव भी निर्मित होगा, परंतु 15 नवंबर के उपरांत। स्वास्थ्य के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, राशि के छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। यहां पर आपकी राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति राशि के छठे भाव यानी रोग भाव में मौजूद हैं। मिश्रित परिणाम आपको सेहत में भी प्राप्त होने वाला है। इन 15 दिनों की समयावधि में किसी प्रकार का ज्यादा गंभीर बीमारी आपको नहीं दिखाई देगी। कार्यों की अधिकता के कारण और मन में व्यर्थ का तनाव लेने के कारण आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन देखने के लिए मिल सकता है। वहीं मानसिक रूप से आप परेशान हो सकते हैं, इसलिए अपने आप को कोशिश करें कि सही समय पर आपको सोना चाहिए, सही समय पर आपको जगना चाहिए, दिनचर्या को व्यवस्थित बनाने की कोशिश करें। स्वास्थ्य के मामले में सजगता ही आपके लिए बेहद ही आवश्यक कदम है। लगन पर एक साथ चतुर्ग्रही युति बनी हुई है, केतु, सूर्य, बुध और शुक्र की युति बनी हुई है, तो किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद अपने मन में सोचने पर आपको तत्पर नहीं रहना है। धार्मिक उपाय की जानकारी आपको दिया जाए,
आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना और रोजाना सूर्य को जल अर्घ देना इन दिनों में आपके लिए बेहतर रहेगा। गणपति के ऊपर दूर्वा अर्पित करने से भी आपको विशेष शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। तुला राशि वाले जातकों को गाय को हरा चारा डालने से भी इस दौरान विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। उम्मीद है ये जानकारी आपको बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।